आ गया सर फिर से मंडे, एंड मंडे को ऑफिस जाना, स्कूल जाना, किसी पर्टिकुलर कोचिंग जाना, बहुत गुस्सा आता है सर। लगता है यार जल्दी संडे आए एंड कुछ करें। सर ऐसे लाइफ नहीं चलेगी सर। तो आज इस मंडे को कुछ हम बनाते हैं इंटरेस्टिंग, कुछ बनाते हैं क्रिएटिव, और हम पेश करते हैं ना सिर्फ एक बल्कि दो टॉपिक। जी बिल्कुल, फर्स्ट टॉपिक है सर हाउ टू मेक अ डायरी, कैसे एक डायरी को बनाएं और कैसे उससे अपनी लाइफ को वर्थवाइल बनाएं। एंड सेकेंड जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू वेक अप अर्ली। तो आप सबका स्वागत है गाइडेंस गुरु पर। चलिए सर, तो आज बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज हाउ टू मेक अ डायरी, हाउ टू मेक अ जर्नल। देखिए सर, दो तरह की डायरीज होती हैं। पहली होती है जिसमें आप अपनी डेली एक्टिविटीज लिखते हैं, एंड सेकेंड सर जो आपकी होती है वो होती है जर्नल। चाहे सदगुरु रहे हो, रॉबिन शर्मा हो, मैल्कम ग्लैडवेल हो, उनका कहना है कि अगर आप अपनी डेली एक्टिविटीज को ट्रैक करेंगे, उनके सोल्यूशंस निकालेंगे एंड कुछ रोज आप नया करेंगे उस डायरी के हिसाब से, तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायरी है, इसको कई जो हमारे गुरुजो कहते हैं जर्नल। जर्नल मतलब एक ऐसा डायरी जो फोकस करता है आपके पॉजिटिव्स पर, आपके नेगेटिव्स पर, और आपके आपको सेल्फ डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ये रही मेरी डायरी, करीब ये डायरी 4 महीने पुरानी है, एंड उससे पहले मैंने ऑब्वियसली बात है वो डायरी खत्म हो गई। तो आइए देखते हैं कि इस डायरी में आखिरकार जो मेरी डायरी है उसमें है क्या। सबसे पहला जो पेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर किसी भी डायरी के अंदर। ये जो पेज होता है सर, ये फोकस करता है आपका एक सिंगल पॉइंट स्टेटमेंट पर। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मिशन स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको लाइफ में अचीव करना ही है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी एक्टिविटी है जो मस्ट है, बिल्कुल उस वो आपकी फॉलो होगी, और ऐसी कोई एक्टिविटी है जो ऑप्शनल है तो कभी उसे आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एक मेरा एक स्टेटमेंट है, इसे मुझे अचीव करना है चाहे कुछ भी हो जाए। स्टेटमेंट क्या है देखिएगा, अ बॉय हु एवरीबॉडी लव्स लिव लाइफ विथ वेरियस इमोशंस स्ट्रगल माय लव। तो एक जो मेरा मकसद है वो ये है कि एक ऐसा व्यक्ति बनूं जिसे सब पसंद करें। देखिए ऐसा मुश्किल है, नामुमकिन है, पर मेरी कोशिश जारी है कि जहां भी जाऊं वहां अपना एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ के जाऊं। तो ये रहा मेरा स्टेटमेंट जो किसी गोल से, किसी ड्रीम से अटैच्ड नहीं है। अगर हम आगे बढ़ें सर इस स्टेटमेंट के अंदर, तो मैंने इस पर्टिकुलर डायरी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो सर लिखा हुआ है यहां पर सेल्फ डिसिप्लिन, कैसे मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं, कैसे मैं आपको बेहतर स्किलफुल बनाऊं, कैसे मैं आपको एक बेहतर इंसान बनाऊं। उसके लिए मैं समय समय पर जब भी मुझे लगता है तो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ कि ये एक मेरी दुनिया है, इसमें मुझे ये चीज़ें करनी है, कब जिम जाना है, कब मुझे वर्क करना है, ताकि मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाऊँ। आगे बढ़ें और अगले सेक्शन पर पहुँचें। अगला सेक्शन सर जो है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, येस दैट इज़ फीलिंग्स एंड डेली इमोशन ट्रैकर। रिसर्च में कहा गया है कि अगर 100 फीलिंग्स आती हैं तो 90 फीलिंग्स जो होती हैं सर वो होती हैं नेगेटिव। यहाँ पर आपको काउंट करना पड़ेगा कि एक दिन के अंदर मेरी फीलिंग्स कितनी नेगेटिव हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप पागल हो जाएं और सोचते गिनते रहें, जी बिल्कुल नहीं। जब आप रात में सोने जाएं तो लिखें आपने आज क्या सोचा और उस पर आपने क्या किया। इनिशियली जब आप लिखोगे तो नेगेटिव फीलिंग्स लिखोगे, पर समय के साथ आपको खुद लगेगा कि नहीं यार मुझे कैसे इन फीलिंग्स को क्या करना है सर पॉजिटिव। तो वो रहा इस पर्टिकुलर सेक्शन का बात जो है फीलिंग्स एंड डेली क्रैकर। आइए बढ़ते हैं आगे और आते हैं एक और सेक्शन पर। एक और सेक्शन जो है, जो मेरा एक पर्सनल फेवरेट है, जो मेरी एक हॉबी का पार्ट है, दैट इज़ बुक रिव्यू एंड मूवी रिव्यू। मूवी देखना बहुत पसंद है, बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके बारे में लिखें। तो अभी सर मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ और आप भी पढ़िए, जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म। इस बुक के अंदर कॉन्सेप्ट है कि कैसे जानवर एक ह्यूमन समाज को अपने अंडर ले आते हैं एंड वो वही काम करते हैं जो पहले ह्यूमंस कर रहे थे। तो उस पर मैं बहुत जल्द लिखने वाला हूँ सर एक रिव्यू, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ मेरे लिए, दुनिया के लिए ही नहीं सर। आइए बढ़ें आगे और अगले सेक्शन पर आते हैं। एक और मेरी हॉबी शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, लिखना पसंद है। मैं कोई मिर्जा गालिब नहीं, मैं कोई हरिवंश राय बच्चन नहीं, पर मेरा एक इंटरेस्ट है तो मैं उसको लिखता हूं, और अगेन ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। फोकस करें आगे और अगले पार्ट पे आएं। तो अगला पार्ट जो है वो कुछ थोड़ा इनसे अलग है, दैट पार्ट इज माय स्क्रैप बुक। देखिए आप दुनिया में आए हैं तो दुनिया में लोगों से मिलेंगे ज़रूर। उन लोगों से जब मिलेंगे तो उनकी मेमोरीज, उनकी इमेजेस आपके पास होंगी। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं बात करूँ तो कुछ लाइंस मैंने लिखी हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। वो लाइंस मैंने यहाँ पर लिखी हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, नो वन कैन टेक माई हैप्पीनेस,
आई एम द मोस्ट फन लविंग पर्सन विद द एटीट्यूड ऑफ एलिवेटिंग अदर्स. आई एम द लकीस्ट एंड द मोस्ट हम्बल पर्सन ऑन दिस अर्थ. आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ हु कैन बाय एनीथिंग. तो मैंने इन तीन से चार स्टेटमेंट्स के अंदर जो मेरी आकांक्षाएं हैं, जो मेरे एम्बिशन है, उसको लिख दिया. डेली बेसिस पर जब सुबह मैं उठता हूँ तो ये वो लाइन्स हैं जिसे मैं डेली पढ़ता हूँ. एंड अगर इफ मे बी आई ऑल्सो से इट लाउड, ताकि मैं ये अपने को बता पाऊँ कि यह मेरा मकसद है जिसके लिए मैं ये लाइफ जी रहा हूँ. तो ये थी हमारी एक बुक सर, जिस बुक के अंदर हमने कोशिश किया आपको बताने का. सर फिर से रिपीट करूँ, ये बुक मेरी है एंड एक्सक्लूसिवली मेरी है. आपका तरीका, आपके हॉबीज का तरीका, आपके फीलिंग्स तरीका अलग हो सकता है, पर सर लिखिए ज़रूर, डू राइट इट डाउन, बिकॉज इफ यू राइट समथिंग डाउन दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अचीविंग वॉट यू कॉल सक्सेस. चलिए अब ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, अब आते हैं सर हम सेकंड पार्ट पर. उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अभी तक वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ये सर नींद से जगाने वाला पार्ट है. जी बिल्कुल, जिनको नींद आती है वो ये ज़रूर देखें कि कैसे, क्यों इम्पोर्टेंट है जल्दी जगना. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू वेक अप अर्ली. चलिए शुरू करते हैं. दुनिया में सर तीन तरह के लोग होते हैं सर. एक जो जल्दी जगते हैं, एक जो जल्दी जगते हैं उन्हें रिब्यूक करते हैं, रिडिक्यूल करते हैं कि यार तू जल्दी क्यों जगता है, और एक होते हैं जो कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते. हम उन तीनों की बात करते हैं सर, क्योंकि अगर वो ये तीनों लोग एक ही काम करेंगे कि दे वेक अप अर्ली, दे डू समथिंग इन द अर्ली मॉर्निंग्स, वो औरों से आगे होंगे. तो चलिए अगर फोकस करें तो सबसे पहला चीज़ कि कैसे आप जल्दी जगें उस पर चलते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. चलिए तो ये करीब 7 ट्रिक्स हैं, 7 तरीके हैं सॉल्व करने के कैसे जल्दी उठें. सबसे पहला ऐसा और सबसे क्रूशल जो है वो है चेंज अ बिट. अगर आप ये सोचते हैं कि आप आज उठते हैं 9 बजे और कल उठेंगे 5 बजे, तो सर ये एक सपने के बराबर है. आपको समय के साथ कुछ चेंज करना है. डिवाइड इट. फॉर एग्जाम्पल अगर उठते हैं 9 बजे, 15 मिनट पहले उठिए, 10 दिन बाद 15 मिनट और पहले उठिए. जब समय के साथ इस 15 मिनट के गैप को आप बढ़ाते जाएंगे तो जो एक नॉर्मल चेंज है वो आपके सामने आएगा. कभी भी ऐसे कोई हरकत मत करिए जो रेडिकल हो. रेडिकल चीज़ें अच्छी लगती हैं 10 दिन के लिए, पर क्योंकि आपने वो चीज़ बहुत जल्दी की है, आपके इकोसिस्टम ने, आपकी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, वो चीज़ें आप लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे. तो दैट इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज चेंज अ बिट. आइए आते हैं सेकेंड पार्ट पर. सेकेंड पार्ट, और ये बहुत ही फनी है, फ्राइडे इज इक्वल टू सैटरडे इज इक्वल टू संडे इज इक्वल टू मंडे. आप समझ गए होंगे, जो समझदार होंगे, कि सर हर दिन एक समान होता है, चाहे वो फ्राइडे हो, चाहे वो सैटरडे हो, चाहे वो संडे हो या फिर मंडे हो, चाहे वीकडे हो या वीकेंड हो. अगर आपका एक मंत्रा है सुबह जगने का, उसे आप छोड़ नहीं सकते. अगर आप जो फर्स्ट हैबिट है दैट इज कि आप 15 मिनट्स पहले उठ रहे हैं, उसको आपको संडे को भी करना पड़ेगा सर. आप बस इमेजिन करिए सर कि हम सब मॉर्टल्स हैं. अगर आज 1 करोड़ लोग सोते हैं तो इनमें से 1 मिलियन लोग सर नेक्स्ट डे नहीं उठते. तो आप लकी हैं कि आप नेक्स्ट डे उठ पाते हैं. तो जब तक ये आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे. ट्रीट एवरी डे एज अ संडे एंड एवरी संडे इज अ डे टू शो द वर्ल्ड दैट यू मीन समथिंग. चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं थर्ड पार्ट पर. बहुत जल्दी थर्ड पार्ट की बात करें, अगेन राइट डाउन. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग मैंने आपसे कहा कि जब तक आप कोई चीज़ लिखेंगे नहीं, तब तक उस पर आप एक्शन नहीं कर पाएंगे. तो आपने, जाहिर सी बात है, मैंने स्टार्टिंग बताया आपको, ये डायरी मेंटेन करिए जिसमें आप लिखिए कि आप क्या करना चाहते हैं नेक्स्ट डे, ताकि आपको आइडिया हो कि मुझे सुबह कौन कौन से टास्क हैं जो मुझे करने हैं. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टास्क पर. नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टास्क है वो है गेट स्लीप टाइम. बहुत ज़रूरी है सर. लोग कहते हैं स्लीप टाइम इज द टाइम बिफोर द शो टाइम. देखिए आप एक्सेल तभी कर पाएंगे, लाइफ में आप एक्सप्रेस तब कर पाएंगे जब आप पर्याप्त मात्रा में सोएंगे. लोग कहते हैं 8 घंटे सोएं, 10 घंटे सोएं, 6 घंटे सोएं. मैं कहता हूं जितने घंटे सोने में आपको सुकून मिलता है, देखिए बहुत ही एक अलग सा वर्ड है सुकून, सेटिस्फैक्शन, पीस, जितने जल्दी वो आपको मिलेगा उतना बेहतर है. कई लोग 5 घंटे सोकर करते हैं, तो वो आप डिसाइड करेंगे कि सर वो कौन सा स्लीप टाइम है जो आपके लिए बेटर है. पर यह आपको करना पड़ेगा सर. यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू टेक एक्शन कि मैं कितने घंटे सोऊं. एंड लगातार वो टाइम बताइए. फॉर एग्जांपल अगर आप 11 बजे सोते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो ये लगातार करिए. ऐसा ना हो कि कभी 2 बजे सोएं, कभी 6 बजे उठें. दैट इज द अदर पार्ट. आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर. नेक्स्ट पार्ट जो है, एंड सबसे जो एक डिप्रेसिंग पार्ट है, एक इंप्रेसिव पार्ट है, दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, वो है द अलार्म. अलार्म क्लॉक प्लेज अ वेरी क्रूशल पार्ट, चाहे वो आपके मोबाइल का अलार्म हो या फिर आपके क्लॉक का अलार्म हो. अगर आप सो रहे हैं, आपने अलार्म को लगाया, आपके बगल में अलार्म बजा, आपने बहुत आसानी से उस अलार्म को स्नूज किया और चले गए सोने.
जब भी अगर आपको जल्दी उठना है तो उस अलार्म क्लॉक को या उस मोबाइल फोन को अपने से दूर रखें, ताकि आपको उठकर जाना पड़े उस अलार्म को बंद करने के लिए। जब तक ये एक्टिविटी नहीं करेंगे तब तक सर एक दिन तो सोएंगे, पर एक दिन तो जगेंगे, पर सेकेंड डे आप जरूर सो जाएंगे, क्योंकि सर ये करना आसान है। पर अगर आप उठ के जाएंगे तो क्योंकि आप उठ चुके हैं तो आप सोएंगे क्यों? तो जो चांसेस हैं वो यह करने के बेटर हो जाएंगे कि यू वुड वेक अप अर्ली बिकॉज यू हैव टू सेट ऑफ योर अलार्म सो दैट यू कैन डू समथिंग इन योर लाइफ। आइए आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेक्स्ट मेथड पर, जंपिंग जैक। देखिए मेरे पापा के ज़माने में जंपिंग जैक का नाम दिया गया था जितेंद्र को, तो मैं उससे रिलेट करता हूँ इस जंपिंग जैक को। उनकी तरह मतलब सुबह उठे तो एकदम मतलब आप लाइफ में आपके लिए नया दिन है, आपको दुनिया को इम्प्रेस करना है, एक्सप्रेस करना है, ऐसा उठें। कई लोग होते हैं उठते हैं ऐसे कान रखते हैं, ऐसे आँख मीचते हैं, सोचते हैं हाँ चलो यार चलते हैं काम पे। सर ऐसा अगर एटीट्यूड होगा तो आप क्या कर पाएंगे? सर बताइए खुद क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जब भी आप पहला जो काम करें वो हमेशा एक्सप्रेस करने का हो, चाहे वो टोनी रॉबिन्स हो, चाहे वो टॉम, चाहे वो टिम कुक हो, ये सब जब उठते हैं तो ये पहला का काम वो करते हैं जो इनको अपने अंदर एनर्जी देता है। चाहे वो सुबह उठ के योगा करना हो, सुबह उठ के वर्कआउट करना हो, वो आपके ऊपर है, पर ऑलवेज डू समथिंग दैट एनर्जाइजेज एंड नॉट लेट्स यू डाउन। चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं अपने कुछ और पार्ट्स पर। गेट चार्ज्ड अप। अगेन एक दिन पहले आपके सामने आपकी डायरी है, आपने लिखा हुआ है कि यह वो काम है जो मेरे काम है और यह वो काम है जो मेरे ऑफिस का काम है। आपको पता है कि अगर मुझे ये काम करना है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का तो मुझे सुबह करना पड़ेगा। तो यू वुड लुक अप टू द मॉर्निंग, यू वुड लुक अप टू द मॉर्निंग कि यार यह मेरा एक मॉर्निंग है जिस मॉर्निंग को मुझे ये काम करना है, और नहीं करूँगा तो जो मेरा टाइम है सर वो मुझसे कोई छीन लेगा। एंड जब आपसे कोई चीज़ छीनता है सर आपको बुरा लगता है, एंड जब ये टाइम आपका अपना मानोगे तो शायद आप उठ पाओगे। चलिए पढ़ते हैं आगे अपने लास्ट पार्ट्स पर। लास्ट पार्ट जो यहाँ पर है सर वो कुछ ऐसा है, वो ये रहा सर। यहाँ आपने देख सकते हैं कि यह कुछ पार्ट्स हैं जो हमने फोकस किए हैं। सबसे पहला चेंज अ बिट, सेकंड ट्रीट एवरी डे एज अ संडे, थर्ड राइट देम डाउन, गेट अ प्रॉपर स्लीप टाइम, द अलार्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूर रखें अपने आप से, और हमेशा अपने आप को एनर्जाइज महसूस करें, ऐसी कोई एक्टिविटी करें, और आखिरी में जब तक आप एक दिन पहले शेड्यूल नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ सर हम आपसे विदा लेते हैं। हमारा एक सेशन ऑन द टू थिंग्स दैट वुड रॉक योर मंडे। यस, नंबर वन हाउ टू मेक अ डायरी एंड नंबर टू हाउ टू वेक अप अर्ली। रिमेंबर यू वॉचिंग द वीडियो ऑन mahindraguru.com द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच। Do like us, comment on our video and subscribe our YouTube channel mahindraguru.com The Brahmast for Success. Your success is our success.